हेलो गेमर्स, अगर ब्लैक मिथ उकॉन को अगर तुम लोग फील करना चाहते हो तो भाई ये गेम बेस्ट है। इसको मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि भाई ये 2G वाले फ़ोन पे काफ़ी स्मूथली चल जाता है, तो भाई 2G वाले भी इसे इन्जॉय कर पाओगे। और प्लेयर्स की अगर एबिलिटी की बात करूँ भाई, बहुत ख़तरनाक एबिलिटी है। और यहाँ पर हम लोग कैमरा डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से भाई डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेना। और भाई एबिलिटी ये देखो भाई, और तो एबिलिटी ये है अपने भाई फायर, अगर चलेंगे तो भाई नीचे आग लग जाएगा और इससे भाई स्पीड भी बढ़ जाता है। और ये रहा भाई थंडर एबिलिटी, भाई ये आसपास के एनिमीज को डैमेज देता है। और इसके पास न्यू स्पेल्स भी है और हम लोग टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, ये इसका कुछ हद तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग भाई अपने लिए हीलिंग और माना रिजेनरेशन वाले पोशन भी ले सकते हैं। और ये जो ड्रम्स है इन्हें तोड़ के भाई गोल्ड मिलता है कभी कभी, और थोड़े बहुत बॉक्सेस है इन्हें तोड़ के भी भाई रिसोर्सेस मिलते हैं। सो अभी भाई खेलने का टाइम आ चुका है और मैं यहाँ पे ऑलवेज डे करने वाला हूँ, देखने में बढ़िया होगा, और नाइट करूँगा तो दिक्कत हो सकता है। और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत हो तो ऊपर तुम्हें ये एरो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो भाई कैमरा को थोड़ा सा स्मॉल कर देना तो भाई तुम्हें दिख जाएगा। ओके, तो कैमरा एडजस्ट तो मैं भाई थोड़ा सा ज़्यादा करने वाला हूँ, कैमरा को ज़्यादा क्लोज रखने वाला हूँ तो देखने में काफ़ी बढ़िया होगा। ओके, अब भाई यहाँ से भाई एक और चीज़ है कि यहाँ की जो एनिमीज है, अगर तुम हार्ड डिफिकल्टी में खेलोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड ही होगा, और अगर भाई एक्सट्रीम लेवल पे खेलोगे तो भाई और भी ज़्यादा भाई ख़तरनाक लेवल पे ये हार्ड हो जाएगा। मैं ऐसे हार्ड डिफिकल्टी में खेल रहा हूँ। ओके भाई, एंड भाई यहाँ पे मेरी भाई हेल्थ कम हो चुका है और मैंने एक पोशन पी लिया। ओके, अब इनको भाई मारना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस वाले कैमरा एंगल के साथ। ओके भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड पर्सन में फंस चुका हूँ। ओके, मुझे भाई कैमरा एंगल चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते अभी इतना नहीं। ओके, अब शायद से दिखेगा, हाँ अब भाई अपना प्लेयर्स दिख रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पे मर गया भाई, यहाँ की मॉब्स बहुत खतरनाक है। और लिटल यहाँ पे कोई भी भाई नॉर्मल एनिमीज नहीं है, सारे के सारे बॉसेस ही है ये, तो यहाँ पे सारे जो चीज़ें देख रहे हो ये सब के सब बॉस ही है भाई, हर एक टाइप के बॉस है ये, पूरी तरह से गेम बॉसेस से भरे है। जब भी इनके पास आऊँगा इनके बॉस बार आ जाएगा, हेल्थ बार। ओके, देख सकते हो जैसे कि ये है, ये कार्नोबोरियस प्लांट है भाई, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ भाई, वैसे इस टाइप के प्लांट बने भाई माइनक्राफ्ट के मॉब्स वाले भी देखे, मॉड्स पे भी देखे। ओके 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 भाई मर गया, हाँ मोबजाई क्रिएटर इस टाइप के मॉड्स होगा, उस पर मैंने देखा था इसे भाई। आओ यहाँ पे क्वेस्ट भी है, ओके ब्लैक स्मिथ भी है, इससे मैं क्वेस्ट ले सकता हूँ। ओके, आप इससे मुझे क्या किया है, ओके आयरन, ओके गॉबलिन डिपीट करना होगा, ओके चार गॉबलिन डिपीट करना होगा। ओके ये रहा गॉबलिन, तो यहाँ पे काफ़ी सारे तुम्हें भाई RPG क्रिएटर देखने को मिलेंगे, तो गॉबलिन तो बस शुरुआत है ये, यहाँ पे जितने भी ज़्यादा क्रिएचर है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें। ओके भाई इसे मैं मार देता हूँ। ओके दूसरा भी डिपीट हो गया। ओके अपना लेवल अप भी हो चुका है। ओके लेवल से अपनी हेल्थ बढ़ता नहीं है, तो इसके लिए भाई अपने को गोल्ड खर्च करना पड़ेगा और गोल्ड यहाँ पे इधर उधर मिल जाएगा। ओके तो एक और भाई मार देते, चलो इससे भी गोल्ड मिलता है बट ढूंढने में ज़्यादा फायदा है। ओके यहाँ पे क्वेस्ट मुझे मिल चुका है गॉब्लिन रिलेटेड, तो काम क्या है भाई, जायंट गॉब्लिन। ओके मुझे यहाँ पे हर्ब कलेक्ट करना है भाई, ये भाई थोड़ा सा अजीब सा हर्ब कलेक्टिंग। ओके चलो हीलिंग के लिए काम आएगा। ओके सो ये हो गया कंप्लीट, थोड़ा मारने काटने वाले क्वेस्ट मिले तो बढ़िया लगता है। और ब्लैक मी दुकान पे बॉसेस ही बॉसेस मिलता था, और यहाँ पे तो सारे मॉब ही बॉसेस बन चुके ये कुछ अलग ही लेवल का देखो बॉस बार आ गया भाई, यहाँ पे सारे एंटिटीज ही बॉस है, समझ लो गेम भाई एंटिटीज नहीं बॉसेस से बने भाई। ओके ये फ्रीजिंग वाली एबिलिटी भाई सच में काम का है, इसे कहते हैं आइस एरो, मैं आइस एरो से इन्हें भाई फ्रीज कर सकता हूँ, टाइम फ्रीज नहीं होता है। ओके थोड़ा और अपना कंप्लीट हो चुका है, गोल्ड ले लो, गोल्ड के बिना भाई अपग्रेड इम्पॉसिबल है। ओके मैं चार्ज वाले स्टेट पे इन स्टेटस के साथ फाइट कर रहा हूँ, आई होप ये एक ही बार में दोनों को निपटा देगा। ओके मेरी हेल्थ बार भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। ओके 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 हीलिंग मैजिक मैंने यूज किया। ओके हीलिंग नहीं भाई, अभी तक तो मैंने हीलिंग ही अनलॉक नहीं किया है। ओके मैं अभी पोशन पी के खुद को हील कर रहा हूँ, यहाँ पे हीलिंग मैजिक भी है, तो एक बार चेक करना होगा हीलिंग स्पेल अनलॉक हो चुका है कि नहीं। ओके अभी मैं लेवल 3 पे हूँ, तो आई गेस मैं स्पेल यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे अपने लेवल अप भी करना होगा। और राइट क्वेस्ट मास्टर आ गया हूँ मैं, एल्डर सॉरी। ओके 22, ओके 220 गोल्ड, ठीक है जल्दी ले लेते, एक्सेप्टेड। ओके एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, अटैक डिफेंस। ओके डिफेंस मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी स्टैट्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ, बस इसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड रखने वाला है।
तो ये सबसे बुरी बात है। और मैं यहाँ पे ऑर्क के साथ फाइट कर रहा था और मैं सोच रहा था कि ये गॉब्लिन की तरह होगा जिनको मैं फ्रीज करके मार पाऊंगा, बट ऑर्क कुछ अलग ही लेवल पे था। मतलब लिटरली गाइस ये मुझे बस दो तीन शॉट पे मुझे मार दिया भाई। ऑर्क के साथ पंगा नहीं लेना है जब तक मैं अपडेट ना हो जाऊँ। ओके चलो यार मैं फिर से मर गया। ओके अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ तभी भाई जाके फाइट करने वाला हूँ। गोल्ड कलेक्ट करना है, खुद को अपग्रेड करना है और गॉब्लिन से तो भाई गोल्ड मिल ही जाएगा। ओके 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 यहाँ पे चेस्ट है। ओके ज़ॉम्बीज भी है यहाँ पर भाई, ज़ॉम्बीज के बिना तो भाई गेम अधूरा ही लगता है भाई। ज़ॉम्बीज से भी मुझे गोल्ड मिला हुआ 50 XP, बढ़िया है भाई। ओके इनको भाई मारने से भी भाई अपने को भाई रिवॉर्ड मिलता है, बट हाँ एक क्या बोलते हैं क्वान्टिटी पे होता है। ओके हीलिंग मैजिक अनलॉक हो चुका है, इसे मैंने लेवल 2 पे भी सेट कर चुका हूँ और इसको मैं इस वाले स्लॉट पे चेक करूंगा। ओके जो भाई मैं ग्राउंड वाला एबिलिटी यूज कर रहा था उसके जगह मैं हीलिंग वाली एबिलिटी को यूज करूंगा और ये मुझे हील भी कर सकते हैं। ओके एक ही बार में काफी ज्यादा हील कर लिया। ओके और स्पेल इफेक्ट भी देख सकते हो क्या सही दिख रहा है। प्लान सिंपल है, आइस एरो फेंको जल्दी से और ये जम चुका है तो अभी सुबह जल्दी से मारो, जैसे ये खुल जाएगा थोड़ा दूर जाओ। अब माना कम है मेरे पास। ओके हील हो गया, नाइस। ओके ये भी बस थोड़ा सा बचा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि ये ओर्क भाई काफी जल्दी निपटा देता है अपने को। ओके कंप्लीट हो चुका है। अरे यार इन गॉब्लिन्स की यहाँ पे बेसेस भी है, क्या चीज देखने को मिल जाए। गॉब्लिन्स की भी अलग से बेस, ओ इनके भी रिवॉर्ड मिलते है भाई। अचीवमेंट यहाँ पे काफी बढ़िया है। बॉक्स बेकार, मैंने रैंक 5 तक ही जा चुका हूँ डायरेक्टली, मैंने चेक नहीं किया था। ओके और क्वेस्ट का भी रिवॉर्ड मिलता है, नाइस। और यहाँ पे ये क्या चीज है? ओके हीरो ऑफ सोल कुछ है, इसको मैं बाद में देखूंगा। तो अपना भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज वाला भी ले, ओके ऑर्क वाला मिला है मुझे, सॉरी ज़ॉम्बीज वाला नहीं। ओके तो ऑर्क वाला भी कम्प्लीट हो चुका है और अभी मेरे पास 7000 है, मुझे टोटल 8000 चाहिए तब जाके मैं एक बढ़िया सा स्वॉर्ड खरीद सकता हूँ। ओके मैं स्वॉर्ड खरीदने लायक तो भाई मैंने बना लिया है। ओके तो पहले इसको भाई मार देता फिर मैं न्यू स्वॉर्ड लेने वाला हूँ और उससे मैं चेक करूँगा कितना मेरा अपडेट होता है, डैमेज। ओके अभी तुम्हें भाई दिखाता हूँ स्वॉर्ड वाला। ओके ये अचीवमेंट है और स्वॉर्ड वाली स्लॉट यहीं पे होगा। ओके आ गया, तो यहाँ से मैं एक 10 डैमेज वाला स्वॉर्ड खरीद रहा हूँ जो कि 8.1 पे पड़ रहा है, 8.1K। ओके आप देखते हैं, ओ 22 डैमेज या ऊपर से मैंने अपनी स्किल्स अपडेट किया है तो उसका भी अलग से डैमेज मिलेगा भाई। ये अभी काफ़ी सही हो चुका है, अभी कहीं हद तक मैं इन छोटे मोटे मॉब्स को मार सकता हूँ या कैसे भी छोटे मोटे बॉसेस को, क्योंकि आप बिग गाय के साथ फाइट करने का टाइम आ चुका है जो कि ऑरेंज। ओके ऑरेंज भाई ओर्क और ओर्क क्या बोलूँ इसे, ओके जो भी है। ओके ओर्क जो भी है तो इसको भाई मारना तो बनता है। ओ मैं यहाँ पे थंडर वाला एबिलिटी यूज़ कर रहा था जो कि थोड़ा बहुत अपने को एडवांटेज दे रहा है, ज़्यादा नहीं, बस अपने पास माना कम हो चुका है, थोड़ा सा दूर भागना है। ओके इसकी रेंज के बाहर जाना है मुझे एंड हील होना है, कितना दूर हो सके दूर जाओ और हील हो जाओ। ओके जब ये अपनी रेंज से बाहर आएगा तो ये वापस चला जाएगा अपनी बेस पे, रुको दोबारा फिर से। अरे नहीं यार यहाँ पे एंड कहाँ से आ गया, क्या मैं एंड की नेक्स्ट पे आ गया यार, ये इस एरिया पे नहीं आना था। ओह यार मैं एंड के एरिया पे घुस गया था। ओह इस जगह पे भाई थोड़ा सा भाई दिक्कत हो गया, तो भाई तुम बड़े बॉस के पास चले जाओ जल्दी से, तो थोड़ा बच के रहना है। ओ देखो ये गॉब्लिन भी यहीं पे था, ओ मैंने दोनों को ही जमा दिया है। ओके वही काम हो गया मेरा, थोड़ा सा बचा है। ओके इसकी हेल्थ दोबारा से रिस्टार्ट हो गया है, जब भी मैं मरूंगा इसकी हेल्थ रिस्टार्ट हो जाएगा। यस तो ये मत सोचने कि मरने के बाद दोबारा जाके इसे मार पाओगे, नहीं भाई इसकी हेल्थ रिकवर हो जाती है, दोबारा से रिकवर हो गया होगा। ओके अब बस ये खत्म होने वाला है, थोड़ा सा मैं दूर जाने वाला, कोई रिस्क नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा भी भाई हेल्थ काफी ज्यादा डाउन है। ओके हीलिंग मैजिक मैंने यूज कर लिया है, उपसी। ओके दोबारा से हीलिंग मैजिक एंड अब ये खत्म, हो फाइनली ये मरा और इसने भाई 225 भाई अपने को एक्सपी दिया है। ओके 74 गोल्ड बहुत कम दिया है कंजूस के का। ओके हो गया है भाई अपना भाई ये क्वेस्ट कंप्लीट। ओके 250 गोल्ड इससे भी मुझे मिल गया, नाइस। ओके अभी ये टास्क मोड पे मैं बहुत सारे क्वेस्ट ले सकता हूँ, यस तो क्वेस्ट ले लेते हैं इससे भाई, काफ़ी सारे क्वेस्ट मैं यहाँ से ले सकता हूँ तो ये सबसे बेस्ट है। ओके नोटिस बोर्ड कह सकते हो इसे, मैं टास्क बोर्ड ही बोलूँगा क्योंकि नोटिस बोर्ड के पास जाते मुझे क्वेस्ट मिल जाता है। तो ये सारे क्वेस्ट मैंने ले लिया है, इन पे क्लिक करना है और जो करना है मुझे वो वाले क्वेस्ट पे क्लिक करके ट्रैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रैक लिखा दिख रहा होगा,
तो जो क्वेस्ट मुझे सिलेक्ट करना है उसे भाई क्लिक करो और यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करो तो क्वेस्ट तुम्हारे मेन हो जाएगा। ओके और यहाँ पे टेलीपोर्टिंग सिस्टम भी है, यहाँ पे जितने भी हाउस वाले मार्क तुम्हें दिखेगा और उसमें भी तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो। बस मुझे मैप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हाउस दिख रहा है किसी भी हाउस पे क्लिक करो टेलीपोर्ट हो जाओगे। ओके तो इन सभी हाउस के अलग अलग लेवल है और अलग अलग लेवल के क्वेस्ट मिलता है। मैं अभी जहाँ पे हूँ लोअर लेवल वाला हाउस है तो उसमें मुझे लोअर लेवल वाला क्वेस्ट मिल रहा है। ओके ओ ये बच्चा था, क्या छोड़ो कोई नहीं। एंड यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी लोअर लेवल वाली क्वेस्ट पे वापस आ जाता हूँ क्योंकि हायर लेवल कर नहीं सकता जब तक मैं अपनी लोअर लेवल को कंप्लीट नहीं करता। और हायर लेवल वाले मॉन्स्टर भाई वहाँ पे भाई एंड 1000 हेल्थ पे मिलता है, वहाँ की मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके अब मैं इन लोगों के साथ 1v2 कर सकता हूँ, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं रहता। ठीक है अभी इसकी बैटल सिस्टम मुझे अच्छे तरह से आ चुका है और मुझे यहाँ पे मर्मिट मारने का क्वेस्ट मिल चुका है। तो चलो देखते कहाँ है मर्मिट, ये देखो भाई यहाँ पर है मर्मिट। ओ भाई जिसको भाई आगल टाइप पे सारेन बोलते हैं वो यहाँ पे मर्मिट है। ओ भाई ये फीमेल लग रहा है। ज्यादा जूम करने की फीचर्स नहीं है वरना जूम करके देख लेते हैं कि मेल है कि फीमेल। ओके यहाँ पे मुझे एक हेल्पलेस मर्चेंट भी मिल चुका है। अब इसकी क्वेस्ट नहीं ले सकता, बहुत सारे क्वेस्ट है मेरे पास, क्या इसके अंदर जा सकता हूँ? ओके सी के अंदर नहीं जा सकता, आई मीन समुंदर में तो ये लिमिटेड है, पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड नहीं है। ओके ऐसे मैं जा सकता हूँ तो कुछ कुछ जगह पे मैं जा सकता हूँ, ओपन वर्ल्ड थोड़ा बहुत लिमिटेड है। ओके एक्सेप्टेड, अब मैं इसकी क्वेस्ट ले सकता हूँ, मर्मिट वाला मैंने कम्प्लीट कर दिया है। ओके और ये भी भाई अपने को मिल गया, चलो इसके भी साइड क्वेस्ट यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। जितना हो सके ज़्यादा भाई टास्क फोर्स से क्वेस्ट ले लो ताकि भाई बार बार आना जाना ना पड़े। ओके तो मुझे यहाँ पे गॉबलिंस को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, उनके कैंप पे जाना है तब जाके भाई हेल्पलेस मरते ना। अरे यार ये गलत लोगों के कैंप पे आ जाएगा डार्क एल्फ, ये यहाँ पर है डार्क एल्फ, बहुत खतरनाक एंटिटीज होते हैं, सोचा नहीं था यहाँ पे मुझे एल्फ देखने को मिल जाएंगे। ओके मैं भाई गलती से भाई अपने औकात से बाहर वाले मॉन्स्टर के पास चला गया था। हेल्प भाई बहुत डेंजरस होती है। ओके जिन लोगों ने फैंटेसी स्टोरी पढ़े होंगे या फिर उसके रिलेटेड एनिमेस देखे होंगे उन्हें पता होगा एल्फ कितनी खतरनाक होते हैं। खैर छोड़ो, हो भाई यहाँ पे दो दो गॉब्लिंस है बट गॉब्लिंस से उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों ने गॉब्लिंस क्लियर देखे तो उन्हें तो भाई गॉब्लिंस की अलग ही डेफिनेशन पता होगा। खैर छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके भाई बस एक ही बचा है, इससे मैं ज्यादा अभी भाई कुछ खास डरता नहीं हूँ। पहले स्टार्टिंग में गॉब्लिंस काफी ज्यादा फेल रहा था। ओके इनके क्लेम भी आ गया भाई, एक एक करके भाई लेवल से अप करूंगा। और कितने सारे एंटिटीज है इसके अंदर, अभी तक मैंने काफी ज्यादा एंटिटीज मैंने फाइंड नहीं किया है एंटिटीज। यार मैं अभी बोल ही रहा था एक आ गया। ओके यहाँ पे ज्यादा भाई केयरलेस नहीं हो सकता, अच्छा था कि मैंने इसकी क्वेस्ट कम्प्लीट किया था तो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। यस इसकी क्वेस्ट कंप्लीट करोगे उसके पास टेलीपोर्ट हो सकते हो। ओ यहाँ पे टेलीपोर्टिंग क्वेस्ट काफी बढ़िया है, सिस्टम। ओके अब मैं इसके पास टेलीपोर्ट हो चुका हूँ क्योंकि इसकी क्वेस्ट भी मैंने कंप्लीट किया है। ओके चलो ये भी आ गया अपने पास, रिवॉर्ड आ गया 125 गोल्ड। ये मैं गलत एंटिटीज के पास चला गया था उस टाइम। ओके अब मैं क्या इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ? ओह चढ़ सकता हूँ, मुझे बस जंप करना है। नाइट इसके ऊपर मैं स्पिन नहीं कर सकता बट जंप करके मैं चढ़ सकता हूँ, तो ये एक बढ़िया एबिलिटी है। ओ इसके पीछे मैंने अभी नोटिस किया एक शील्ड है, मतलब भाई बैक एरो से भाई सर को बचाने के लिए बहुत बढ़िया। ये सिस्टम मैं पहली बार देखा। ओह मुझे मिल गया भाई मिसिंग मिलिट्री, भाई तुम लोगों की हालत यहाँ पे क्या हो चुका है, अभी भी शायद ये लोग जिंदा हो गए। ओ ये क्या है सर कटा, भाई ये सर कटा है कर्ज वॉरियर, बट इसको भाई हाथ देखो, हाथ में इसकी सर है, इसके पास हेड नहीं है, इसने अपनी हेड को भाई हाथ पे बांध के रखा है और उसको रिपेंट की तरह यूज कर रहा है। भाई सर कटा ओ श्री कलाना वाले सर कटा यहाँ पे आ चुका है, मतलब बात है अब पता चल रहा है भाई हॉरर मूवी से भाई एंड गोश्त के आइडिया कहाँ से आ रहा है। अभी ना कभी अटक जाता हूँ वॉइस ओवर के टाइम। खैर छोड़ो, ओ ओ ओ भाई इसकी सर, ओ इसकी सर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। भाई अपने हेड को रेपन की तरह यूज कर रहा है, क्या खतरनाक भाई डिजाइन किया है। देखो इसके पास हेड नहीं है, इसकी हेड इसके हाथ में है, ओ क्या खतरनाक चीज था। क्या चलो ओ एक और है एंड ये बस मरने वाला है। ओ भाई सर कटा नंबर 2,
इसने भाई काफी ज्यादा हेल्थ खा रहा है ये लोग भाई। किस किस से बने इसकी सिर? इनके लोग की सर एडमियम से बना है क्या भाई उल्वरीन वाले? ओ भाई 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 बच्चे 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 बच्चे, अपने पास हेलमेट होना चाहिए था। आई गेस मैं आर्मर ज्यादा नहीं बना सकता, जितना मैं अपनी डिफेंस को आगे करूंगा उतना ज्यादा मेरे पास आर्मर आएगा। तो गाइस ये वाली क्विज भी कम्प्लीट हो जाता है एंड आई गेस मैंने आज के लिए काफी ज्यादा मैंने खेल लिया है तो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है। बाकी क्वेश्चन मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। अगले एपिसोड तभी नहीं आएगा जब भाई तुम लोग इस वीडियो को अच्छे खासे सपोर्ट दिखाओगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, अरारा सायनारा।